और आइए सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसका आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग ज़िलों में जाकर मुख्यमंत्री अपनी बहनों से मुलाकात करते हैं, राखी बंधवाते हैं, उनको सौगातें दी जाती हैं। और इसी कड़ी में अपने गृह क्षेत्र उज्जैन पहुँचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आप एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं बहनों, बस मेरी बात समाप्त हो जाएगी। आप अपने स्थान पर खड़े होकर के दो मिनट तक लगातार अपने भाई के सम्मान में ताली बजाए। आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पे, सब खड़े होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप अभिवादन स्वीकार करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं, अभिवादन यहां पर करती हुई, स्वागत यहां पर करती हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। खड़े होकर ताली बजाकर बहनें अपने भैया का स्वागत यहां पर कर रही हैं। राखी भी यहां पर भेंट की गई, राखी भी बंधवाते हुए यहां पर नज़र आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों से। और कुछ ही देर बाद संबोधन भी मुख्यमंत्री का होगा वहाँ। लगातार अलग अलग ज़िलों के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन कार्यक्रम श्यामल उत्सव कार्यक्रम के तहत अलग अलग ज़िलों के दौरे करते हैं। तो क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे जानने के लिए सीधे हम उज्जैन का ही रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, फ़िलहाल क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर, कितना उत्साह है महिलाओं में, ख़ास तौर से बहनों में, अपने भैया को उनके बीच पाकर? बिल्कुल सुमित, बताना जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों की जिस प्रकार रक्षाबंधन की जो पवित्र बंधन में बंधे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो बहनों का ऐसी प्रकार लगातार प्यार उमड़ता जा रहा है। और लगातार प्रदेश के मुखिया जब जब उज्जैन आते हैं तब जो लाडली बहना हैं, क्योंकि लगातार ये करीब 10 सालों से बहनों से राखी बंधवाते आए हैं और इसीलिए उज्जैन आ जाए तो सबसे पहले उन्होंने बहनों से उनकी चिंता पाली है, उनसे राखी बंधवाई है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार से एक झूला भी यहाँ पर लगाया गया है, जो मोहन यादव खुद अपनी बहनों को झूला भी झुलाएंगे और एक अभी बड़ी राखी भी उन्होंने पहनी है। और उसके साथ जो कई ऐसी बहनें थी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाते होने के, बड़े भाई होने के नाते, उनको राखी भी बांधी है और उनको नारियल भी भेंट किया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सभी बहनों का मुंह मीठा भी कराया, मिठाई खिलाकर। और अभी भी पूरा जो क्षण है, पूरा जो पांडाल है, वो लाडली बहनों से पूरी तरह का खचाखच भरा हुआ है। और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए बाबा महाकाल से कामनाएं भी की जा रही है। और अभी संत उमेश नाथ जी जो राज्यसभा सांसद है, उनका उद्बोधन चल रहा है। और इसके ठीक पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी बहनों के साथ वार्तालाप करेंगे, भाषण देंगे और लंबी उम्र की बहनों के लिए बाबा महाकाल से कामनाएं भी करेंगे। और जिस प्रकार पूरे मंच की शोभा बढ़ाई गई है, जिस प्रकार वो पूरे मंच को साज सजावट की गई है, बड़ी बड़ी राखियाँ वहाँ पर लगाई गई है। और एक बड़ी राखी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहनों ने पहना ही भी है और कलाई पर बांधी गई है। तो जिस प्रकार पूरे पंडाल में उत्साह चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मों जन्मों का साथ है, भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है उसी की कड़ी में आज एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों के बीच में पहुंचे हैं। और जिस प्रकार जो बंधन है, क्योंकि राखी का डोरी होता है कि भाई बहन का जो पवित्र बंधन है, जो भाई बहन की जो चिंता है, वो यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार उमड़ती है वो ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। निश्चित, वो दिखता भी है, वो तस्वीरों में नजर भी आता है, उत्साह वो नजर भी आ रहा है, वो प्यार नजर आ रहा है अपने भाई के लिए और भाई का प्यार बहनों के लिए।